भारतीय जनता पार्टी समन्वय समिति की बैठक शुक्रवार को मिर्जापुर स्थित महापौर सीताराम जायसवाल के आवास में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने की। बैठक में मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के साथ इसमें आ रही दिक्कतों को दूर करने के अतिरिक्त गोरखपुर महानगर की वार्ड की समस्याओं पर भी चर्चा किया गया, जिनकी बात सुनकर सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश को उचित दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्य रूप से महापौर सीताराम जायसवाल, पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, देवेंद्र प्रताप सिंह सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और विभिन्न वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। कंप्लेंट जरूर आती है कि हमारे यहाँ साल मार दी गई, हमको गैया मार दी, उसकी अभी तक कोई सफाई रोज आवास योजना में से बिजली व्यवस्था में भी कमी है, स्वच्छ पेयजल की आवश्यकता है और सफाई की आवश्यकता है, पेंशन में भी असावधानी है, पेंशन प्रणाली में यही कुछ बातें अर्थात, और उसने कहा कि बात सुनी नहीं जा रही और कुछ प्रमाण पत्र बिना रुपये के लिए बनते हैं संपत्ति, किसी भी आपका संपत्ति देश को बना होगा अभियान चलाओ और इसको समाप्त कराओ तभी अटवाओ, ये बहुत आवश्यक है। दूसरा, बार बार पता नहीं कैसे संदेश दे दिया कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, क्यों नहीं आने दी जाएगी, हम खतारी तौर बात कर लेंगे। निर्माण कार्य में कोई सुस्ती बर्दाश्त नहीं है, पैसा आएगा और पैसा है भी वो व्यवस्थित हो जाएगा, उसको निर्माण कार्य में लगाने का काम कर दिया जाएगा। और जहाँ जहाँ किसी तरह के प्रमाण पत्र बनाने का किसी की कोई रुपया नहीं रहा उसको देखिए, भाषण की बैठक नहीं है, सिस्टम की बैठक है, इसलिए कुछ काम होता चाहिए उसको आप उसका और जो दरोगा वरोगा आपने बताए उसमें हम परिवर्तन करें पूरी तरीके से। कोई भी अब आप बैठो, कोई भी अधिकारी आपकी उपेक्षा करके, देखिए आज समन्वय समिति ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सबसे पहले यहाँ जो आप कह रहे हो, ये जो व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं ये आपसे पहले कह चुके, तो इसलिए मैं कह रहा था अब मुझे आप टाइम खराब करो, उसमें खराब नहीं है, आप अपनी बात सुनाने आपको लगेगा कि हमने अपनी बात कही नहीं, मुझे पता नहीं, कल से हम लगभग लगभग कोई सिस्टम है। और इन लोगों ने बहुत अच्छी, राहुल जी ने सभी माननीय विधायकों और मेयर साहब के साथ बैठकर बहुत अच्छा सिस्टम तैयार हुआ, अब आपको कोई कठिनाई रहेगी नहीं। किसी भी अच्छी सरकार के लिए दो बातें बहुत आवश्यक होती हैं, वही सरकार मजबूती से आगे चल सकती है, मजबूत और स्थायी दे सकती है जब उसका संगठन बनती है, संगठन से सरकार बनती है, सरकार से कभी संगठन नहीं बनता। तो इसलिए पार्टी ने तय कर लिया है, अभी हमने भी अंदर सभी से बैठकर कहा है कि संगठन के कार्यकर्ताओं को उपेक्षित नहीं रहने दिया जाएगा। राधा मोहन जी राधा जी हम ये हम तो आपकी सेवा के लिए हम आपकी सेवा के लिए तैयार है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।